हेलो गाइज, आज किसी वीडियो में हम जानेंगे कि आप एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। साथ में हम ये भी बताएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट कब है और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसका पेमेंट कितना लगेगा। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है। यह फॉर्म ओपन हुआ है एसएससी कांस्टेबल के लिए, जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों लोग इसमें यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1/9/2023, यानी कि 1 सितंबर से यह एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका 30/9 तक 11 बजे रात तक है। और साथ में इसका लास्ट पेमेंट करने का 30 सितंबर तक ही यह आपका लास्ट डेट है पेमेंट करने का। साथ में आप करेक्ट इसको 3 और 4 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, जिसमें कि एग्जाम डेट यहाँ पे देखिए एग्जाम डेट भी फिक्स हो चुका है यहाँ पे 14/11/2023, यानी कि कुल मिला के यह 14 नवम्बर को यह इसका एग्जाम होगा। 14 नवम्बर से लेकर के 5 दिसंबर तक यहाँ पे इसका एग्जाम होने वाला है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 100 रुपए पेमेंट लगेंगे और एसटी एसटी के लिए 0 रुपया यहाँ पे लगेगा। साथ में ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पे 0 रुपया लगेगा। साथ में अगर कोई भी कोरेक्ट करते हैं या अगर इन केस डेट अप्लाई अप्लाई डेट खत्म हो गया और कोई किसी भी प्रकार का इसमें आपका कोरेक्ट करते हैं, उसका पेमेंट आपको 200 रुपया लगेगा। जिसमें अगर आप इसमें भी आप कोई गलती कर देते हैं फिर अगर सेकंड टाइम आप करते हैं उस समय आपको 500 रुपया लगेगा। देख सकते हैं पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई से आप कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं इसका एज लिमिट आपका 1/7/2023 तक है। इसका एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल का होना चाहिए, जिसमें से एज का बिटवीन रहना चाहिए, एज इसमें रहना चाहिए 2/7/1998 से लेकर के 1/7/2005 के बीच का डेट ऑफ बर्थ जिनका भी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की ओर कुल मिला के इसमें पोस्ट आपका 7,547 पोस्ट यहाँ पे आपका ओपन हुआ है। इतने पोस्ट के लिए आपका अप्लाई होगा। और साथ में देख सकते हैं कांस्टेबल में आपका मेल के लिए 5,556 को सीट है और फीमेल के लिए 2,491 को सीट है, जिसमें आपको यह 10+2 से यह अप्लाई होगा। साथ में अगर आप अगर कोई ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका यहाँ पे ड्राइवर लाइसेंस भी लगेगा। और साथ में देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल के लिए यहाँ पे क्या क्या कराया जाएगा। मेल के लिए हाइट यहाँ पे 1.70 होना चाहिए और फीमेल के लिए 1.57 होना चाहिए, 157 होना चाहिए। साथ में आपका चेस्ट या 81 से लेकर 85 तक होनी चाहिए और फीमेल के लिए यहाँ पे चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया, उनका कितना भी रहेगा उनका चल जाएगा। साथ में आपका रनिंग आपका 1600 मीटर 6 मिनट में आपको पूरा करना है और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में पूरा करना है। साथ में आपको लॉन्ग जंप के लिए यहाँ पे 14 फीट मेल के लिए आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा और 10 फीट फीमेल के लिए लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। और हाई जंप के लिए यहाँ पे 3 फीट 9 इंच आपको मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए। साथ में आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ, साथ में आपको स्कैन किया गया फोटो सिग्नेचर आईडी प्रूफ के यहाँ पे डालना पड़ेगा और छोटा सा मार्कशीट का यहाँ पे डिटेल लगेगा। दोस्तों इतना कुछ आपका लगेगा तब जाके इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम अप्लाई करके बताते हैं कि इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप सर्च करेंगे एसएससी, एसएससी के मेन वेबसाइट पे चले आएंगे या इसका डायरेक्ट लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप करेंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड को फिलअप करेंगे और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे इसमें डाल देंगे। अगर रजिस्ट्रेशन का नहीं आपने किया है, अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो इससे पहले मैंने वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कैप्चा कोड यहाँ पे हम डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन आप हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेबल मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे जस्ट नीचे आपको दिख जाएगा
यहाँ पे अप्लाई क्या, तो अप्लाई वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें ऑलरेडी कुछ यहाँ पे जिस समय आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसका कुछ ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल फिल होते हुए यहाँ पे आएगा। और इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाके आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर नहीं टाइप की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट कांस्टेबल ऑफ दिल्ली, क्या आप दिल्ली के इसमें आप नो कर देंगे। देन उसके बाद बोल रहा है कि इसमें भी आप नो कर देंगे। फिर इसमें जो भी ऑप्शन इसमें मांग रहा है इसमें भी आप नो कर देंगे। देन उसके बाद बोल रहा है कि एग्जाम सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पे आप डाल देंगे बेंगलोर, इसमें अपना एग्जाम सेंटर डाल देंगे। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम सेंटर डाल देंगे, यहाँ पे थर्ड एग्जाम सेंटर हम डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सर्विस मैन है तो यहाँ पे नो कर देंगे। देन उसके बाद नीचे की ओर आएंगे, फिर उसके यहाँ पे बोला जाएगा एज इसको बदलना चाहते तो यस कर दीजिए, अगर नहीं तो नो कर दीजिए यहाँ पे। देन उसके बाद आपको पूछा जाएगा इसमें भी आर यू नेशनल सर्टिफिकेट और एनसीसी, अगर एनसीसी के अंदर आप सर्टिफाइड हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, तो हम इसमें नहीं है तो नो कर देंगे। और नीचे की ओर आएंगे, फिर यहाँ पे पूछा जाएगा हाई क्वालिफिकेशन, आपका अभी तक का हाई क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे हम अपना ग्रेजुएशन यहाँ पे हम अपना डाल देंगे। ग्रेजुएशन डालने के बाद फिर पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिटेल और क्वालिफाई एजुकेशन डिटेल, यानी कि अभी जो किस लेवल से भरा है उसका हम डाल देंगे। तो 12th लेवल से यहाँ पे भरा रहा है अप्लीकेशन, तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर इसका आप डिटेल डालेंगे कि आप 12th कौन सा बोर्ड से आप किए हैं, मेरा बिहार बोर्ड है, बीएससी बोर्ड है। फिर उसके बाद इसका आप अपना रोल नंबर डाल देंगे, इसमें अपना रोल नंबर डालेंगे, फिर इसमें अपना सब्जेक्ट डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे आप डाल देंगे, फिर उसका परसेंटेज डालेंगे, ना परसेंटेज नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पे सीजीपीए डालेंगे, कोई एक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद नीचे को आएंगे, फिर यहाँ पे मांगा जा रहा है सिग्नेचर, और यहाँ पे फोटो को अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर का साइज देख सकते हैं यहाँ पे 20 KB से 50 KB तक आपको चाहिए, और यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, वो भी 2 मंथ के अंदर का होना चाहिए फोटो, और यहाँ पे सिग्नेचर भी उसी तरह से 20 KB, 10 KB से लेकर 20 KB का JPG फाइल में होना चाहिए। अगर ये साइज आपको नहीं बनाने आता है तो जस्ट हम वीडियो बनाए हैं कि कैसे इसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसको आप वीडियो पे जाकर के वॉच कर लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे फोटो को साइज इस साइज में आप ला सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे यस, यहाँ पे हमेशा आपको यस कर देंगे, फिर उसके एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्री आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ इस कैप्चा को इसमें फिल करेंगे। देन उसके बाद प्रीव्यू के बटन पे आप क्लिक कर देंगे, आइए सब फिलअप करके हम मिलते हैं। कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करने के बाद देने उसके बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद यह ओके करने को आपको बोलेगा, रिडायरेक्ट यहाँ पे आपको कर देगा। यहाँ पे A to Z यहाँ पे अपना मिला लीजिएगा, जो भी आपने डिटेल दिया है A to Z सही तो है ना। देन उसके बाद A to Z आपका सही है तो यहाँ पे अगर गलत गलत है यहाँ पे एडिट और मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर A to Z आपका सही है तो यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देन उसका पूछा जाएगा कि आप फाइनली आपको इसको सबमिट करना चाहते हैं, ओके कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। हम ओके, मेरा A to Z सब कुछ सही है तो यहाँ पे ओके कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाले बटन के ऊपर करके यहाँ पे प्रिंट आपका डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि वो फिर उसके बाद इसको ओके करेंगे। आप यहाँ पे जनरल OBC और EWS के कैटेगरी से आप आते हैं तो आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आकर के पेमेंट कर देंगे, तो आपका यहाँ पे पेमेंट आपका के ऑप्शन पे रिडायरेक्ट कर देगा। देन उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, तो मेरे यहाँ पे फॉर्म भरा चुका है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपना SSC दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल के लिए आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय।